गाड़ी धुआं भी मार रही है, देख रहे होंगे जी। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आप कार्स डॉक यार्ड देख रहे हैं, मेरा नाम सैयद शाहरशाह है। गर्मी फिर आज उरूज पर है। कल बारिश वगैरह हुई, मौसम अच्छा था, ऐसा लगा जैसे कोई दिसंबर का महीना चल रहा है। लेकिन पिंडी इस्लामाबाद के तो यही खैर मज़े, हफ्ते में दो तीन दफ़ा इस तरह के मौसम मिल जाते हैं आपको, और फिर अचानक से जो है वो फिर धूप पड़ती है और गर्मी हो जाती है जी। तो जिस मकसद के लिए वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो आपने बेशतर देखा होगा मार्केट में जो रेट्स वगैरह चल रहे होते हैं। और बहुत सारे भाई मुझे कहते हैं यार बाहर तो ये रेट चल रहा है, बाहर इस तरह काम हो रहा है, आप इस तरह काम कर रहे हैं, ये क्या चक्कर है। उन सब के लिए आज की ये वीडियो है। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो एंड तक देखी है, एक एक वर्ड मेरा, एक एक चीज़ नोट करना है और आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि काम का क्या मयार होना चाहिए, ठीक है। और थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ के मुतालिक है। इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और गाड़ी दिखाने से पहले आपने लाइक करना है, वीडियो को लाइक करें। हर एक बंदा, जो बंदा भी देख रहा है उसको ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक किया करें। तो ये हमारे पास आई है सुजुकी FX। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक इंजन डाला हुआ है। और आप खैर जो मेरे देखने वाले बंदे हैं जो कि बहुत अरसे से मुझे देख रहे हैं, तो उनको तो मैं दिखा दिखा के थक गया हूँ कि हम काम किस तरीके से करते हैं, किस लेवल का काम करते हैं, क्या चीज़ें लगाते हैं। और अब मैं सिर्फ बोनट खोलूँगा और अंदर इंटीरियर दिखाऊँगा तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस गाड़ी का मयार क्या है, किस लेवल का काम हुआ है, पैसे कितने लिए गए हैं, ये सारा कुछ मैं आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ इसी वीडियो में। और एक एक चीज़ के ऊपर आप लोगों को मैं बताऊँगा कि डिफ्रेंसेस किधर आ रहे हैं, किधर क्या कुछ आ रहा है। और फिर जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें क्या फीडबैक दे रहे हैं, या अगर उनको कोई मसले मसाइल आते हैं तो वो किस लेवल के मसले मसाइल होते हैं। और इन गाड़ियों में ये जो बायर गाड़ियां हो रही हैं, ठीक है, ये इसके अंदर किस लेवल के मसले मसाइल होते हैं। और प्लस ये भी मैं आपको बताऊँगा कि भाई ये अगर आपको इंजन देना चाह रहे हैं हमारे, तो वो जब आपको इंजन सेल आउट करते हैं सस्ते में करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या होती है, पीछे इतने सस्ते में काम क्यों हो रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका बोनट उठा के दिखाता हूँ। तो ये जनाब आप इसमें देख रहे होंगे, ये जो इसके अंदर इंजन इंस्टॉल्ड है, ये आपने कभी हमारी वीडियोज़ में देखा नहीं होगा कि हमने इस तरह का इंजन कभी स्वैप करके दिया हो कस्टमर को। इसके अलावा गाड़ी की वायरिंग आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये सारा कुछ आपके सामने है। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ठीक है, माउंट्स वगैरह की, उसकी तो सारी गाड़ी जो है अगर आप डी में डालते हैं तो वो फिर हिलती जुलती है और बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। इसके अलावा आप ये मीटर देख रहे होंगे, और ये मीटर जो लगा हुआ है, और इसके अलावा आप ये देखें कंसोल बॉक्स देखें। तो हमारी जो गाड़ी की फिनिशिंग होती है वो आपके सामने होती है कि भाई मैं कितना उसके ऊपर काम करता हूँ, किस तरीके से काम करता हूँ, और ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो इस तरह के काम होते हैं इसमें फिर मसले मसाइल बहुत, ये देखें जी गाड़ी भी मैंने स्टार्ट कर ली है। और अब इसको जनाब वाली पैडल आप देख रहे होंगे, जनाब इसने किधर वेल्ड किया हुआ है, ये इधर से हटा के इसको वेल्ड किया हुआ है। लेकिन आप इसको देखें कि ये कितनी, वो जो जान छुड़ाने वाला सिस्टम होता है, ये खैर जान छुड़ाने वाला नहीं होता, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये मसला आखिर क्या होता है। ये बाहर जो काम होता है उसका जो मेन जो बेसिक मसला है वो क्या है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि ये क्यों इस तरह के काम होते हैं, और आप किस तरीके से सस्ते काम के पीछे जब भागते हैं तो फिर वो आप लोगों के साथ क्या कुछ करते हैं। ये आप देखें गाड़ी हमारी, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि इतनी वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर, डैशबोर्ड पूरा हिल रहा है और पूरी बॉडी के अंदर वो लग रही है गाड़ी, ठीक है। कहीं ये देखें, ये तो बेसिक चीज़ है गाड़ी के जो माउंट्स होते हैं। हमारी कभी आपने जितनी गाड़ियां हुई हैं कभी ये चीज़ नहीं देखी होगी। RPM आप देख रहे होंगे डेट पर है इस वक्त, ठीक है। ये ज़्यादातर बेशतर जो स्वैपिंग के मामले होते हैं उसके अंदर जो गाड़ी होती है उसके अंदर फिर ये मसले होते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सस्ता काम होता है ये बेसिकली होता किस तरीके से। आप देख रहे होंगे हमारी टोटल जो वर्कशॉप है कार डॉकयार्ड, ये टोटली जो काम इधर होता है हमारा, जो बेसिक कोर काम है और हमारी एक्सपर्टीज़ है वो इंजन स्वैपिंग की है, और हम करते ही इंजन स्वैप का काम है,
ठीक है। अब ये जो इंजन होते हैं ये आपने देखा होगा कच्चा स्टाफ में, रावलपिंडी के सदर वगैरह के इलाकों में या सुल्तान के खूह में आप जाते हैं इंजन जब लेने हैं तो वो आप शॉप्स पे जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक शॉप है और उसके ऊपर मैंने इंजन रखे हुए, तो जब आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि यार मुझे इंजन लगवाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आपको अपनी चीज़ सेल आउट करूँगा, जो मेरी इंजन जो मेरा सेटअप है सेल आउट करूँगा, और फिर मैं आपको कहूँगा ये मैं आपको लगा के भी दे देता हूँ जब ही स्टार्ट। अब उसके पास जो मैकेनिक होता है वो होता है वो इस कैपेबल नहीं है कि वो ये इस तरह के लेवल के काम करे, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है। सिर्फ उसने ये करना है कि उसने थोड़ी सी लेबर ले के आपको एक काम करके देना है, ठीक है, ऑन करके देना है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल मामलात का भी इसी तरह ही हल है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल जो लेबर जो बंदा लेबर ले रहा है अगर उसको आप अच्छे पैसे नहीं देते तो वो आपको अच्छा काम करके नहीं देगा। और फिर ये होगा कि और वो अगर उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है या वो सिर्फ आपका इंजन लगवा रहा है, तो वो जो है बात करने का मकसद ये है कि जो इंजन आपको वो बंदा बेच रहा है वो सिर्फ अपना अपना माल आपके ऊपर बेच रहा है, ठीक है। हम जो काम कर रहे हैं हमने जो है आपको इंजन स्वैप करके देना है, इंजन डाल देने में और इंजन को पूरा मुकम्मल सेट करने में फ़र्क है, ठीक है। तो ये फिर एक्सपर्टीज जो हैं वो काम आती हैं उसमें। फिर जो सस्ता काम होता है फिर वो इस तरह का होता है कि बंदा सारी ज़िंदगी फिर जलील हो रहा होता है, और ये चीज़ें जो होती हैं ये फिर सेट नहीं होती, चाहे आप जितने मैकेनिक्स के पास लेके जाएं। उस बंदे ने जिसने ख़ुद काम किया होता है ना वो भी हाथ उठा देता है आपके आखिर में भाई, वो आप चार पांच दफ़ा उसके पास जाएंगे ना तो हाथ उठा देगा। अब इसके मुकाबले में हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें क्या मसले मसाले होते हैं, उसमें आपको एक्सल के मसले तो मिलेंगे नहीं, ठीक है, एक्सल्स के मसले नहीं मिलेंगे, वाइब्रेशन के मसले नहीं मिलेंगे कहीं पे जो है, इस तरह ये मामलात नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल कोर जो बेसिक्स हैं। वायरिंग के मसले नहीं मिलेंगे, हम एक एक सेंसर आपको ऑन करके देंगे, जो हमारे इंजन की वायरिंग है उसके मसले आपको नहीं मिलेंगे। हाँ अगर आपको तो बड़ी वायरिंग के मसले मसाइल हैं वो आपके हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन ये जो मसले मसाइल ज़्यादातर जो अगर हमारे कोई इशूज़ आ भी जाते हैं वो ये होता है कि कहीं लीकेज है इंजन की, या पानी की कहीं लीकेज आ गई, कोई क्लिप जो है वो, इस तरह के मामला, ये छोटी मोटी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आ ही जाती हैं। जैसे अब मेरी अपनी गाड़ी के अंदर लीकेज का मसला मुझे आया, पानी का भी एक दफ़ा, और सील्स की लीकेज ऑयल की लीकेज का मसला भी आया था मुझे। तो ये तो जब इंजन जब यूज इंजन लगता है तो ये इसमें छोटे मोटे मसले आ जाते हैं, हमारे इस लेवल के मसले होते हैं बहुत माइनर, इसके मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मुझे बताया कि यार इस तरह इन्होंने हमें ये एक लगा के दिया था, अब इनको इस जिस बंदे ने ये स्वैप करके दिया था उसमें इन्होंने ये बताया कि ये पंप लगाया था और ये लगातार पाइप फाड़ा था। अब इनको ये नहीं पता कि ये किस कैलिबर का पंप है, ये एक्सएलआई का पंप है, ठीक है। ये एफएक्स में आपने शॉर्ट और लॉन्ग रेंज देखनी होती है, उस हिसाब से रेशो आपने फ्यूल की देनी होती है, ठीक है। अब ये तो नहीं कि आपने कोई भी उठा के पंप गाड़ी के अंदर लगा दिया, इस तरह नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। और सबसे अगेन सबसे बड़ी बात जो है वायरिंग की डायग्राम की है, मैं आपको हमेशा ये बात करता हूँ कि जो डायग्राम है वायरिंग की वो सबसे बड़ी चीज़ है, वो सबसे बड़ा खेल है, और वो बेशतर लोगों को इस चीज़ का नहीं पता। वो समझते हैं कि भाई इंजन स्वैप ही करना है, कहीं से भी करा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कार डॉकयार्ड कर रहा है तो ये बाकी भी कार ही लेंगे। कार डॉकयार्ड वाले हमने 250 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिए हैं, और मैंने अपना सर खपा दिए इस फील्ड में कि, और अभी तक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम स्वैपिंग का काम कर रहे हैं। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी भी जो है वो नॉलेज मेरे पास उस तरह से नहीं है, हम अभी भी सीखने के फेज़ में इस, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि मैं सीखने के फेज़ में हूँ, नई नई चीज़ें, तो इसमें नई नई चीज़ें आती हैं, हम वो चीज़ें सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम तो इस चीज़ों से निकल चुके हैं, और फिर जब आप मेरे पास आते हैं, कस्टमर मेरे पास आता है और वो फिर ये कहता है कि यार शाह भाई मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो ये मैं तो चीज़ें आप लोगों को वीडियो में समझा के थक गया हूँ कि जो आप लोकल काम करवाते हैं किसी भी शॉप की जगह से, वो आपको कहेंगे कि भाई वो जो आपको काम करके दे रहे हैं वैसा काम हम भी आपको करके दे देंगे 1.5 लाख रुपये में, वो आपसे 2 लाख रुपये ले रहे हैं, वो किस चीज़ का 2 लाख रुपये ले रहे हैं वो आपको नहीं बताएंगे। भाई होता क्या है कि वो आपको 1.5 लाख रुपए का काम करके देंगे, आपको कहेंगे भाई ऑयल भी आप लेके आओ, अभी स्पेयर पार्ट का बिल भी लेके आओ, हिडन चार्जेस होते हैं उसके अंदर, हम आपके कोई हिडन चार्जेस नहीं रखते, जो हमारा इंजन का पैकेज है तो वो दैट्स इट इंजन का पैकेज है,
उसके अंदर मैं आपको एक महीने में अगर वो जो गारंटी टाइम है उसके अंदर अगर सीलें भी उसकी होंगी लीक होगी तो मैं आपको सीले डाल के दूंगा, कोई इस तरह के मसले मसाइल होंगे वो भी डाल के दूंगा। हम इतना कोऑपरेट करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ एक महीने तक, और जब तक उनका कोई मसला हल ना हुआ होता है हम उससे हिलते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस चीज़ में है कि हम अपना पूरा हम कोऑपरेट करते हैं कस्टमर के साथ हमेशा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंजन लगाना आसान है, किस तरीके से लगाना है ये जो है ना ये बात होती है, और ये फनकारी होती है। ठीक है, ये फनकारी जो है वो होनी चाहिए। और जो मुझसे लगवा के गए हैं इंजन उनको पता है कि अगर उनको कोई इशू आया है तो मैं उनको, अगर फ़ोन पे हो तो मैं उनके साथ फ़ोन पे कोऑपरेट करता हूँ, अगर वो आते हैं हमारे पास तो हम उनको सामने कोऑपरेट करते हैं। ये उन सबको पता है जो हमसे इंजन लगवा के गए हैं कि हम वो आपको ख़ुद बताएंगे कि शाह भाई कितना वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। और जिन्होंने फ़र्ज़ करें कि वो पहले भी कोऑपरेट, मतलब पहले भी उन्होंने साल डेढ़ साल पहले भी इंजन डलवाया है और वो मेरे पास मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हों या कोई उनको प्रॉब्लम आती है तो भी मैं उनको उसका हल बताता हूँ। अगर वो आउट ऑफ सिटी हैं या वो मेरे पास आते हैं तो उनका उसको हल बताता हूँ ज़रूरी, क्योंकि ये मेरी पूरी फैमिली है। जितने भी हमने इंजन स्वैप्स किए हैं ये मेरी पूरी फैमिली है और हम उनको जोड़ के रखते हैं अपने साथ। तो ये सूरत हाल है जो मैं आप लोगों को हमेशा समझाता हूँ कि यार आप काम करवाएं, अच्छा काम करवाएं, अच्छा काम करवाएं, एक दफ़ा काम करवाएं लेकिन अच्छा काम करवाएं। अगर आप अच्छा काम करवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, छोटी मोटी मसले मसाइल होंगे वो आपके होंगे लेकिन बड़े जो होंगे, छोटे मोटे मसले जो होते हैं लीकेज के ये हल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो मसले मसाइल होते हैं इसके साथ आप क्या करेंगे? इसके साथ तो आपने सिर्फ वर्कशॉप में फिराना है। लास्ट वीक मेरे पास एक कोरे आई थी जिसके अंदर मीरा का इंजन डाला था कच्चे स्टाप में एक जगह से, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बताया मुझे, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने मुझसे एक लाख साठ हज़ार रुपये लिए। और फिर जब मैं बाद में बैठा तो जब आपने मुझे दो लाख रुपए कहा था और जब मैंने उधर पैसे जब सारे जोड़ के देखे तो मुझे ख़र्चा मेरा दो से ऊपर का हो गया था उधर, लेकिन मेरी गाड़ी अभी भी सेट नहीं हुई। और आपने मुझे दो का कहा था लेकिन मैं, मेरा माइंड जो है उधर डाइवर्ट हो गया था कि यार ये इतना बीच में आ रहा है 40,000 रुपये का गैप तो उधर से करा लो। लेकिन जब मैंने बाद में ऑयल और ये वो फलाना ढिमकाना और इस तरह के मसले मसाइल, जब मैंने पेट्रोल मैं ख़ुद लेके आया, हम तो जब आपको इतना पीस ऑफ माइंड देते हैं कि आप मेरे पास गाड़ी छोड़ें हम आपको ओके करके देंगे, उसमें पेट्रोल लगता है, उसमें स्पेयर पार्ट्स के बिल आते हैं, उसमें इंजन ऑयल गियर ऑयल आता है, ये सारा कुछ शामिल है, तो लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही होती है शाह भाई पैसे ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर जो सर्विसेज दे रहे हैं हम और जितनी पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं कि आप इधर गाड़ी खड़ी करें और जब ओके होगी तो मैं आपको कॉल करूँगा आप आके ले जाएँ, और अगर आपको कोई मसला मसाइल आते भी हैं तो आप मोस्ट वेलकम आप आ सकते हैं, हम आपको वो चीज़ हल करके देंगे। तो ये एक चीज़ जो होती है कमिटमेंट, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो वो पैसे आपके बाद में फिर भी लगेंगे उधर और ख्वारियाँ होंगी। अब इन भाई की भी इसी तरह ही है कि इनकी ख्वारियाँ हो रही हैं और पैसे लग रहे हैं लेकिन चीज़ जो है वो उस तरह से नहीं है। जो इंजन इनको डाल के दिया है सिंगल इंजेक्टर वाला इंजन डाल के दिया है, लोगों को नॉलेज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछले दो ढाई साल के अंदर बहुत इस चीज़ के ऊपर काम किया और नॉलेज दी लोगों को कि भाई ये इंजन इस तरह का है, ये इंजन इस तरह का है, और बहुत कोशिश की। हमने 750-800 वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल के ऊपर, ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हमने की आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मोहब्बत से, तो ये सारा कुछ हुआ। और मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी जो वो होगी सलाह होगी वो आपको दूंगा। आप बेशक मुझसे काम ना करवाएं, मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास ही आएँ, आप कहीं और से काम करवाएं, लेकिन खुदारा आप एक एक चीज़ को देखें कि, लेकिन अगर वो ये देखें कि भाई इंजन तो मिल जाते हैं हर मार्केट में, कराची में मिलेगा, लाहौर में मिलेगा, सदर, पिशावर, आगे पीछे हर जगह मिल जाएगा, लेकिन जो इंजन लगाने वाला बंदा है वो कैपेबल है कि नहीं है इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। बहरहाल वीडियो को इधर ही एंड करते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।